Yes, I am Dr. Anil Bakshi and I am a surgeon by profession and I am also a teacher in a medical college. I am Dr. Asha Bakshi, a gynecologist. My main interest is in the field of infertility. I practice in Indore and the name of my center is Disha Fertility and Surgical Center. मैं डॉक्टर सोनम बख्शी हूँ. मैं दिशा फर्टिलिटी एंड सर्जिकल सेंटर इंदौर पर काम करती हूँ डॉक्टर आशा बख्शी के साथ. मेरी स्पेशलिटी सोनोग्राफी और ऑब्स्टेट्रिक्स में है. साथ साथ मैं इनफर्टिलिटी का भी काम देखती हूँ. ये जो सेंटर है ये टोटली इनफर्टिलिटी को डेडिकेटेड है और दूसरे भी चीज़ें देखते हैं हम, क्योंकि प्रेगनेंसी और दूरबीन शल्यक्रिया यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं. यह सेंटर हमने यहाँ जो साकेत यहाँ का बहुत अच्छा एरिया है उसमें वे बैक इन 1998 शुरू किया है और हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो 2000 में बॉर्न हुआ है. हम बड़े गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट इक्सी टीसा इक्सी बेबी और माइक्रो टीसे इक्सी बेबी हाल ही में सभी हमारे यहाँ से हुए हैं और वी आर रियली प्राउड ऑफ इट. वैस्कुलर सर्जरी इज ऑल अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज टेक प्योर ब्लड टू अवर बॉडी एंड द वेन्स रिटर्न देम बैक टू द हार्ट एंड दिस इज ऑल डन बाय large, medium and small arteries and veins, and people time to time get problems in them and we tend to tackle them and make them better. Vascular surgery treatment depends on what is the condition. Most common vascular surgery is varicose veins. And also the other most common is, you might have heard that someone got an accident and lost his leg. Majority time this leg lost is because of arteries getting involved into the fracture or getting crushed, and thereby the blood supply to the leg is stopped or hampered. And because that, the leg becomes cold and sometimes, and later on becomes black, and that need to be amputated. But such type of patients, if recognized in time and reaches to one of vascular surgeon, and then that artery can be repaired or replaced. And once that happens, the replacement is successful, the leg will supply, get its supply of oxygen and blood, and the leg need not to be amputated. So this is a very crucial, particularly in a trauma surgery, that's a very crucial field where we can revascularize all legs and arms and thereby preventing gangrene and loss to the patient. My specialty is vascular surgery. I do mainly peripheral vascular surgery, and in that the varicose veins is a big condition. Lot of people, they suffer from varicose veins. The varicose veins occur spontaneously in 50% patients, and in women mostly after pregnancy, and because of some other problems, weight gain and post-thrombotic and secondary varicose veins. So we take a color Doppler into that. And then if the wall between superficial and deep veins is not working properly, then we treat them. IVF, जब किसी को infertility होती है तो पहले तो routine treatments किए जाते हैं, जैसे कि intrauterine insemination और पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है. यदि अंडा नहीं बन रहा है तो उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन
एजेंट्स दिए जाते हैं, कितनी ही प्रॉब्लम्स लेप्रोस्कोपी से भी सॉल्व हो जाती है, हिस्ट्रोस्कोपी से भी सॉल्व हो जाती है, मगर कभी कभी ट्यूब्स ब्लॉक हो या फिर आईयूआई तीन साइकिल चार साइकिल कर लिया है या फिर कोई कारण ही नहीं है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है जिसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, या कोई मेल फैक्टर है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है, कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस नाम की कंडीशन होती है, तो इन सब कंडीशंस में प्रेगनेंसी प्राप्त करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति यानी कि आईवीएफ पद्धति की मदद ली जाती है। एक बार एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो फिर तो उसका जो आगे का जो डेवलपमेंट है वो उसी तरह से होता है जैसे कोई भी नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ एबनॉर्मल होते हैं ये बच्चे, क्योंकि वर्ल्ड में काफ़ी स्टडीज हो चुकी हैं और ये पाया है कि नॉर्मली भी करीब 2% चांसेस है एबनॉर्मलिटी होने के। तो जब आईवीएफ करते हैं तो उसका तो ये बोला है कि हार्डली कुछ इंसिडेंस बढ़ता है, इक्सी में हो सकता है कि 0.4-0.5% ज़्यादा हो जो कि नेग्लिजिबल है, और उसके अलावा डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और यदि कोई कारण है जिसके लिए सिजेरियन करना पड़ता है तो सिजेरियन भी कर सकते हैं। विमेन है वो करीब 30-31 ईयर्स तक अच्छी फर्टाइल रहती हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसको ओवरऑल बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है रूटीन आईवीएफ में, इसके अलावा इक्सी में जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है जिसमें कि अंडाणु में स्पर्म माइक्रो मैनिपुलेटर द्वारा डाल दिया जाता है। किसी को यदि अंडे नहीं बन रहे हैं और हमें डोनर एग्स लेना है तो उसमें भी टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो जो बच्चा होता है वो भी उन डिसऑर्डर्स को कैरी करता है, तो यह बहुत अर्ली स्टेज में पता चलाया जा सकता है कि इस बेबी को यह जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं पीजीडी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, तो उसमें भी टेस्ट ट्यूब बेबी की ही मदद लगती है एआरटी की, और जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें से बायोप्सी ली जाती है और चेक किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में यह एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, और यदि वो एबनॉर्मलिटी है तो वो वाला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। देखिए ऐसे मेनली तो एआरटी ही है, लेकिन एक ये बात ज़रूर है कि जैसे कभी ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक्ड हैं तो दूरबीन शल्यक्रिया से यानी कि हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी से ट्यूब्स को खोला जा सकता है बाई कैन्यूलेशन एंड बाई एडिसियोलिसिस, और कितनी बार फाइब्रॉइड्स हैं गठाने हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे हैं तो उन्हें आप दूरबीन द्वारा लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी यानी लेप्रोस्कोप से आप गठान निकाल देते हैं प्रेगनेंसी हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में भी यदि चॉकलेट सिस्ट निकाल देते हैं और जो जाले हैं आपस में चिपकाहट है उसको हम कम कर देते हैं दूरबीन द्वारा लेप्रोस्कोप द्वारा। कितनी बार यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम होती है, यूट्रस के अंदर पार्टीशन होता है या यूट्रस के अंदर छोटा सा पॉलिप होता है, यूट्रस के अंदर भी जाले होते हैं, तो इन सबको टेस्ट को लेप्रोस्कोपी द्वारा और हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा करेक्ट किया जा सकता है, और इसको बोलते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग एंडोस्कोपिक सर्जरी, और इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है क्योंकि यदि एक बार ठीक हो गया तो वो परमानेंटली ठीक हो सकता हो जाता है, तो घड़ी घड़ी नहीं रिपीट करना पड़ता है। ये है कि आपने यदि ये प्रोसीजर कराया तो कम से कम 10 महीने तो वेट करना चाहिए, और जबकि टेस्ट ट्यूब बेबी कराया है तो इमीडिएटली आज यदि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो 14 दिन बाद रिजल्ट मिल जाता है, तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है फर्टिलिटी बढ़ाने का। पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा यंग लेडीज़ में देखा जाता है, ये एक प्रकार की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है।
जो लोग का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है या फिर थोड़ी फैट ज़्यादा होता है उनकी ओवरीज के ऊपर भी फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण बॉडी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ओवरीज पे काम नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ ओवरीज में जो हार्मोन निकलते हैं वो यूट्रस पे काम नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है शुरू में, साथ ही साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, और कहीं कहीं केसेस में इनफर्टिलिटी हो जाती है ये हार्मोनल चेंजेस के कारण। सो बेसिकली अगर यंग एज से पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, अभी कोई कंसेप्शन कोई बेबी करने के लिए ट्राई नहीं कर रहा हो तो उसके लिए यही एडवाइस है कि लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि एक्सरसाइज, आपका वेट लॉस और डाइट, डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम और प्रोटीन ज़्यादा हो, उससे उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। तो बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस ही होता है। फर्टिलिटी पे जैसा मैंने बताया यही इम्पैक्ट है कि जब भी आप ट्राई करना चाहते हैं, काफ़ी लोग तो कंसीव कर लेते हैं, कुछ लोग 15-20% केसेस इनफर्टिलिटी के पॉलीसिस्टिक ओवरीज के कारण होते हैं, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसके कारण, और इन हार्मोनल चेंजेस के कारण जो अंडा फूट के ट्यूब में जाता है प्रेगनेंसी के लिए वो अंडा फूट नहीं पाता है, जैसे कि एन ओव्यूलेशन बोला जाता है, तो इसमें कुछ दवाइयाँ कुछ इंजेक्शंस लाइफस्टाइल चेंजेस से हेल्प हो जाती है पेशेंट्स को। IVF के टेक होम बेबी रेट तो वैसे जो ओवरऑल वर्ल्ड में कहा जाता है वो 30-35% होता है, मगर अभी अब डे बाय डे चीज़ें बेटर हो रही है, तो जिसको हम क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट कहते हैं यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हार्ट बीट आना, तो वो ऑलमोस्ट अभी 50% लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंसिडेंस है, अच्छा रिजल्ट है। और लेकिन हमें मरीज को फेलियर के बारे में भी इक्वली काउंसिल करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को यह समझ में आना चाहिए कि ये 100% नहीं है और 50% चांसेस फेलियर के भी हैं, तो उन्हें मेंटली इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सरोगेसी यानी कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी का एम्ब्रियो तो बना लेते हैं मगर मदर के यूट्रस में नहीं डालते, हम किसी और लेडी के यूट्रस में डालते हैं, किराए की कोख यानी व्हेन यू रेंट अ वूम, यूट्रस हमने रेंट पे लिया है, और ऐसी काफ़ी केसेस हैं जिनमें सरोगेसी करना पड़ता है, जैसे कि किसी के यूट्रस में बहुत जाले पड़े हुए हैं, जाले बने हुए हैं और वहाँ इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकता, या जन्म से ही यूट्रस नहीं है, या जन्म से यूट्रस बहुत छोटा है, या किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाता है, कोई हो जाता है जिसमें कि यूट्रस निकालना पड़ा, तो वो लेडी के पास यूट्रस है ही नहीं, या लेडी को बहुत गंभीर समस्या है, बीमारी है, जैसे कि बहुत बड़ी किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, जिसमें कि वह प्रेगनेंसी होगी तो उस प्रेगनेंसी को आगे कैरी करने में उसकी खुद की जान को खतरा है, तो ऐसी महिलाएं भी सरोगेसी करवाती हैं। जब हमारे पास एक्सेस एम्ब्रियोस हो जाते हैं, सपोजिंग हमें ट्रांसफ़र केवल 2 करना है और हमारे पास 8 एम्ब्रियोस बने, तो बचे हुए एम्ब्रियोस हम विट्रिफिकेशन टेक्निक द्वारा फ्रीज कर देते हैं और बाद में ये एम्ब्रियोस को हम निकाल के उस पेशेंट में वापस जब अटेम्प्ट चाहिए तो उसको फिर इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगेंगे, सिंपली हम यूट्रस की लाइनिंग को टैबलेट्स द्वारा तैयार करके और ये एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका आज एक टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा हुआ है और 3 साल बाद वही एम्ब्रियोस जो हमने 4 साल पहले उसके बनाए थे वही एम्ब्रियोस से फिर से एक और बच्चा पैदा हुआ, तो बेसिकली बायोलॉजिकली वो ट्विंस टाइप ही हो गए, मगर एक आज पैदा हुआ है एक 3 साल बाद पैदा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है फ्रीजिंग, इससे घड़ी घड़ी इंजेक्शंस लगने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसके अलावा आजकल ओसाइट्स यानी कि अंडे भी फ्रीज कर सकते हैं, और स्पेशली वो महिलाएं हैं जो किसी कारण से जल्दी प्रेगनेंसी नहीं कर सकती हैं, तो या उनको एंडोमेट्रियोसिस है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है या उन्हें कैंसर है जिसमें कि आगे जाके उनकी ओवरीज ख़राब होने वाली है, तो उनके एग्स पहले निकाल के फ्रीज कर लेते हैं,
और जब उनको सुविधा होती है और जो जब उनकी बॉडी अप्रोप्रिएट होती है तब उनको उन एग से उनके पार्टनर से स्पर्म्स लेके एम्ब्रियो बना के उनके यूट्रस में डाल के प्रेगनेंसी कराई जाती है, तो इसको एग फ्रीजिंग कहते हैं। काफ़ी लंबे समय तक और ICMR गाइडलाइंस एटलीस्ट 5 ईयर्स तो रेकमेंड करती है, और इवन स्पर्म्स फ्रीज किए जाते हैं, खास करके किसी को कैंसर है और कैंसर की दवाइयाँ लेनी देनी पड़ेगी तो उसमें वो मैन अपने अपने स्पर्म्स पहले ही फ्रीज करा देता है, तो स्पर्म्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं। और काफ़ी बार किसी को एंजाइटी होती है कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी करना है या IUI करना है, या हम कहें कि अब आप अंडा अभी बनने वाला और इस टाइम पे आप इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी होने के अच्छे चांसेस हैं, तो एंजाइटी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। तो ऐसे में यदि पहले से एम्ब्रियो स्पर्म्स फ्रीज करके रख लेते हैं तो बाद में वही ही स्पर्म्स को काम में ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर यदि हम पेशेंट को तैयार करने का सोचे तो पेशेंट के सेकंड डे से इंजेक्शंस लगना शुरू हो जाते हैं, उसको सोनोग्राफी के लिए बार बार आना पड़ता है सेंटर पे, और करीब 12वें-13वें दिन तक फॉलिकल्स बनने लगते हैं, और उसके बाद एक स्पेशल इंजेक्शन दिया जाता है जिसे HCG कहा जाता है, और उसके 34 आवर्स के बाद अंडे निकाले जाते हैं, और फिर उन अंडों को स्पर्म्स के साथ जैसे मैंने बताया फर्टिलाइज करना, और उसको करीब 3रे दिन डाला जाता है, 3रे दिन या 5वें दिन। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि किसी को यदि अपना टाइम वो करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओव्यूलेशन इंडक्शन टिल एम्ब्रियो ट्रांसफर मे टेक अप टू 16-17 डेज। इट इज़ नॉट पेनफुल, देर मे बी सम डिस्कम्फर्ट आफ्टर द ओसाइट रिट्रीवल विच इज़ यूजली डन अंडर एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थीसिया। इट इज़ एक्सपेंसिव, बट अभी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी है और लोग आने लगे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन वेरी काइंड कि जो गरीब जो BPL वाले पेशेंट्स हैं उनको भी यह सुविधा पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू दी जा रही है। इसे रोशनी क्लिनिक कहते हैं, और रोशनी क्लिनिक के पेशेंट्स जब गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल सेंटर्स ऑथोराइज कर रखे हैं उसमें से एक हमारा भी सेंटर है, तो यहाँ पर जब पेशेंट्स आते हैं तो हम इनका काफ़ी कम रेट्स में टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, और वो जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, तो दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वी डू अ एथिकल प्रैक्टिस एंड वी सी टू इट दैट अवर पेशेंट्स रिमेन सेटिस्फाइड। वी आर वेरी कीन ऑन अपडेटिंग अवर टेक्नोलॉजी, तो जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। जितनी भी मैं काफ़ी बाहर जाती हूँ, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ, और जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसे अपनाने में और शुरू करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सेंटर में हमारे काफ़ी वेल ट्रेन्ड स्टाफ हैं हु आर ऑल द टाइम गियर्ड अप टू वेलकम द पेशेंट्स, एंड डॉक्टर्स भी काफ़ी वेल ट्रेन्ड है, हमारे पास टीम हमारी अच्छी है। मेरे पास पेशेंट्स मध्य प्रदेश से, इंदौर से, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, US से आए हैं, UK से आए हैं, सभी तरफ से। इंदौर वैसे कोई बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट नहीं है और बहुत ज़ोरदार कनेक्टिविटीज़ नहीं है, मगर फिर भी जिनके रिलेटिव्स यहाँ होते हैं और जिन्होंने यहाँ के बारे में सुना हुआ होता है वो लोग यहाँ पे आते हैं। इवन गल्फ़ से पेशेंट्स आते हैं क्योंकि हम लोग अरेबिक बोल सकते हैं। I was one of the pioneer in treating varicose veins with laser surgery. Laser surgery, previously the varicose veins were treated with open surgery. Now with advent of laser surgery,
it can be treated in a minimal invasive technique in which there are not major cuts on the body, and with the help of a needle, the laser fiber is put near that wall and the laser is fired and the patient gets cured of that varicose vein problem with minimum pain and minimum hospitalization and back to work very quickly. Within 2 hours, the patient can start walking, and maybe from next day or onward, he can join his work. So thereby limiting economic loss to himself and to the nation. मैं FRCO जी हूँ लंदन से. मेरी शुरुआत की ट्रेनिंग इंग्लैंड में हुई है, और उसके अलावा मुझे काफ़ी जगह इनवाइट किया जाता है इस लेक्चर्स वगैरह के लिए. मुझे एक कुमुद तामस का अवार्ड है, वो जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस पे मेरे काम करने के लिए मिला है, अवार्ड भी मिला हुआ है. और मुझे फॉक्सी जो हमारी सोसाइटी, उसमें करंटली मैं इनफर्टिलिटी कमेटी की चेयरपर्सन हूँ. और बाकी तो पेशेंट से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. मेरे ख्याल से यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है. My goal in life is of course to teach young surgeons and to develop good practicing techniques so that the patients at the most gets benefited with new techniques. The new techniques are arriving every day and we have to learn them. It is never too late to learn new techniques and also learn from other people's mistake, and to operate on a policy of zero mistake so that the patient gets the maximum benefit of modern allopathic medicine. But there are some things which cannot be avoided. Many people's response to same treatment can be different, and that can lead to grievances. And I would like to give a message to the people that please don't react exorbitantly if such thing happens to you. Please try to understand that it is a live human body, it is not a mechanical part, and which can respond differently to same treatment. Future में अब हम एक बड़ा hospital डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो center है मेरा, ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है. तो we want to have a bigger center where we can have sort of boutique facilities so that our patients are more comfortable, and to bring all the things under one roof. तो patient को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, जैसे कि laparoscopic surgery, delivery, इन सब चीज़ों के लिए अभी अलग अलग जगह जाना पड़ता है. तो इन सब चीज़ों को हम एक साथ अंडर वन रूफ लाना चाहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ बुटीक हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर. वी डॉक्टर्स आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट ट्रीटिंग मशीन्स, वी आर treating human beings. We also have emotions, and basically I feel that doctors have more emotion because they know that if something goes wrong with the patient, the whole family suffers, and there is a lot of grievances in the family, and so that's why we try to keep at a zero tolerance to any problem. So we like to do it as good as possible, and sometimes this does not happen, and the response to the response of disease is so aggressive that it doesn't get treated with medicines or any treatment, and we don't get favorable result. So
please understand that unfavorable result is has big shock to the doctor, has big it is to the patient and its relatives. Infertility अब असाध्य समस्या नहीं है. आप properly doctor से discuss करेंगे तो आपकी problem काफी बार discussion और counselling से ही solve हो जाएगी. नहीं तो अब काफी technology available है, hysteroscopy, laparoscopy, IUI, test tube baby, surrogacy. तो कई चीज़ें हैं जो कि ऑलमोस्ट आई वुड से 90 to 100% पेशेंट्स को फर्टिलिटी दिलवा सकती है और हर किसी की गोद में बच्चा खेल सकता है. जो भी बीमारियां होती हैं, इनफर्टिलिटी या कुछ भी बीमारी होती है, उन सब में लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत लेना देना है. यू शुड ऑलवेज हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, रोज़ एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट खुश रहें.